वालेकुम। आज बन रहा है गार्लिक ब्रेड की रेसिपी, लेकिन फ्लावर ब्रेड के स्टाइल में। अब वो कैसे बनता है, क्या बनता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन, अच्छी खासी क्वांटिटी में लहसुन है, क्योंकि गार्लिक ब्रेड बन रहा है तो इसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। अब हमको इसको सबसे पहले चॉप करना है, तो मैं इसको चॉपर में डाल देती हूँ। पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ चॉप करना है, इतना बस होगा हमको। अब इसको इस बोल में ट्रांसफर कर देते हैं। आपको इस चॉपर की अमेज़न की लिंक चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेकअप कर सकते हैं। बटर, बटर रूम टेम्परेचर वाला है, ज़्यादा मेल्टेड नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर का बटर लेंगे। देते हैं ओरिगैनो, ओरिगैनो हाफ टी स्पून जितना डाल रही हूँ। उसके साथ डाल देंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर भी मैं हाफ टी स्पून ही डाल रही हूँ, या तो 1/4 टी स्पून डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे इसमें हाफ टी स्पून। इसमें सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बटर हमारा सॉल्टेड है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो तो आप डाल सकते हो, और अगर आपको इसमें धनिया डालना है यानी चॉप्ड कोथमीर डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, या कोथमीर की स्टेम्स भी डाल सकते हो, उसका भी फ्लेवर काफ़ी आता है। तो धनिया की जो डंडी होती है वो भी बारीक काट के आप इसमें डाल सकते हो। तो बस अभी हम इसको मिला देते हैं। मिला देने के बाद हमको डायरेक्ट लेना है ब्रेड के स्लाइस, और उसको पहले ये लगाएंगे और फिर उसको एक अलग तरीके से कट करेंगे। तो ये तो मिल गया, अब इसको साइड में रखते हैं। अब लेकर आते हैं ब्रेड। लिया एक ब्रेड का स्लाइस, इसके ऊपर डालेंगे बटर का मिक्सचर, इसको कर देंगे ज़रा स्प्रेड। साइड्स पे भी ले लेंगे क्योंकि बाद में फिर वो साइड्स रह जाता है तो वो बहुत ड्राई सी लगती है। तो ये साइड और सब जगह लगाने के बाद अब लेना है नाइफ, इसको कट करना है। एक साइड हो गया, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ये फोर्थ। अब इसको लेना है एक ऊपर, फिर इसको लेना है ऊपर, फिर इसको लेना है ऊपर, और फिर इसको लेना है ठीक है यहाँ। और सबको एक दूसरे के अंदर लॉक कर देना है हमको, बस यही तरीके से हमको बनाना है। अभी ऐसे ही बना लेते हैं, मैं चार ब्रेड का बना रही हूँ। ऐसे ही तरीके से आपको चारों बना लेने। अभी तो मैंने इतने बनाया है, इसके अंदर और थोड़ा बैटर बचा हुआ है, थोड़ा सा मिक्सचर और है, तो ये और बन सकती है, कम से कम 7 to 8 बन सकती है आपके इसमें। तो अब चलते हैं इसको हम पैन में लेके जाने की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें इसमें डालना है चीज़ क्यूब। देते हैं चीज़ के स्लाइसेस को, मैंने बीच बीच में से थोड़ा पतला पतला कट किया है, तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। आप या तो ग्रेट करके रखना चाहते हो तो वैसे रख सकते हो। बस इसको ये लगाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा ओरिगैनो चिली फ्लेक्स लगाकर इसको रख दूंगी सेकने के लिए। अभी ये पैन में मैं डाल रही हूँ बटर, अब ये ब्रेड के स्लाइस मैं क्लिक करके इस पे रख देती हूँ। रखने के बाद मैं इसको ढककर छोड़ दूंगी ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए।